हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री राम लर्निंग क्लासेस। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का टॉपिक, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड ये टॉपिक हमारा NTA NET का एग्जाम, जो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट से देने वाले हैं उनके लिए यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है, लास्ट वन टॉपिक है, ठीक है। एंड ये जो हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का टॉपिक है वो बिजनेस एथिक्स के अंदर आता है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट की हमें पता होना चाहिए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर प्रॉपर जो हम रूल एंड रेगुलेशन एक जो फर्म है वो फॉलो करती है, ठीक है। एक फर्म को हम किसके थ्रू कंट्रोल में रखते हैं, प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन के थ्रू। क्लियर हो गया। एक सिस्टम ऑफ होता है किसका, रूल्स का, प्रैक्टिसेस का एंड ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके अंदर फॉर्म को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। अगर हम इसका एग्जांपल लें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का लीनियन टर्म में, कि क्या होती है, जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, एक राजा होता था, उसके नीचे जो क्या होती थी, प्रजा होती थी, उसको हम क्या करते थे, वो पूरा का पूरा जो राज्य है वो पूरी की पूरी प्रजा को क्या करता था, कंट्रोल करता था। तो वो क्या था, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मींस कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या होता है कि ओवरऑल कंट्रोल होता है एक्टिविटीज के ऊपर। कॉर्पोरेशन में जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हमेशा आप इस एग्जाम्पल से लर्न रखना, तो आप कभी भी नहीं भूल पाओगे कि जैसे पहले के टाइम पे जो राजा होते थे वो क्या करते थे, सारा का सारा अपनी प्रजा के ऊपर क्या करते थे, कंट्रोल करते थे सभी एक्टिविटीज के थ्रू। तो इसमें क्या होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी क्या है, ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द एक्टिविटीज इन ए कॉर्पोरेशन, दैट इज कॉल्ड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब बात आती है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में और क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। इसके अंदर ना फॉर्मुलेशन ऑफ द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हम लॉन्ग टर्म्स ऑब्जेक्टिव्स और प्लान बनाते हैं, एंड प्रॉपर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होता है। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम और पीपल, वो अचीव करते हैं। और एट द सेम टाइम and it entails making sure that the structure function to maintain the corporation integrity and responsibility to the various constituencies, ठीक है, clear हो गया। corporate governance का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर हम control करते हैं सभी की सभी activities एक corporation के अंदर, उसको हम बोलते हैं corporate governance। and corporate governance के अंदर हम सभी के सभी जो balance करके रखते हैं interest किसका, company के stakeholders का। कंपनी के स्टेक होल्डर कौन कौन से होते हैं, जिसके अंदर शेयर होल्डर, मैनेजमेंट, कस्टमर, सप्लायर, फाइनेंशियर, गवर्नमेंट और कंपनी, कम्युनिटी, ये सभी के सभी क्या होते हैं, स्टेक होल्डर होते हैं। इसमें हम बैलेंस करते हैं इंटरेस्ट कंपनी के स्टेक होल्डर का। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो क्या करता है कि अटेन करता है किसको, प्राप्त करता है क्या, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को भी, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हम क्या करते हैं कि ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स और प्लान को अचीव करने में भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेल्प करता है, और जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है उसको भी प्रॉपर मेंटेन करता है। और मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम एंड पीपल, इनको अचीव करने में भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेल्प करता है। एंड जो इस और क्या दिखना है हमने इसके अंदर, कॉर्पोरेट इंटीग्रिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो बैलेंस करता है कब, किसके अंदर, जो इंटरेस्ट है कंपनी के स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कौन से होते हैं, शेयर होल्डर, मैनेजमेंट, कस्टमर, सप्लायर, फाइनेंशियल, गवर्नमेंट और कम्युनिटी, इनमें सभी में बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हर एक फील्ड, जैसे कि मैनेजमेंट है, एक्शन प्लान है, इंटरनल कंट्रोल है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर है, इन सभी के अंदर हेल्प करता है। अब है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कमेटी इंक्लूड होती है, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, मॉनिटरिंग एंड इंटरनल कंट्रोल, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, पॉलिसी एंड प्रोसीजर, विजन, मिशन, स्ट्रेटेजी, ऑब्जेक्टिव, स्मार्ट गोल, ये सभी के सभी क्या है,
कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंक्लूड होते हैं, कमिटीज इंक्लूड होती हैं, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंक्लूड होता है, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, मॉनिटरिंग एंड इंटरनल कंट्रोल, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, पॉलिसी एंड प्रोसीजर, ये क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कमिटीज, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, मॉनिटरिंग एंड इंटरनल कंट्रोल, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, पॉलिसी एंड प्रोसीजर, विजन, मिशन, स्ट्रेटजी, स्मार्ट गोल, ये सभी के सभी क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब है कि हम वाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इसमें बेटर एक्सेस होता है टू द एक्सटर्नल फाइनेंस, लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कैसी होती है, लोअर होती है। इससे क्या होगा, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल लोअर होगी तो जो रेट है इंटरेस्ट रेट है जो लोन के ऊपर, वो भी कैसा होगा, बताओ, लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी तो जो इंटरेस्ट रेट है लोन के ऊपर वो कैसा होगा, सोच के इसका कमेंट में आंसर देना। कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, हायर फर्म वैल्यूएशन एंड शेयर की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होगी, और जो रिस्क है कॉर्पोरेट क्राइसिस का वो भी कम होगा। इसलिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। कंपनी की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो, हायर शेयर परफॉर्मेंस हो, फर्म वैल्यूएशन हो, और रिस्क कम से कम हो, क्राइसिस कम से कम हो, स्कैंडल्स कम से कम हो, और बेटर एक्सेस हो किसका, एक्सटर्नल फाइनेंस का। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर कौन कौन सी पार्टीज इंक्लूड होती है, शेयर होल्डर इंक्लूड होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, डायरेक्टर होता है और मैनेजर होता है। शेयर होल्डर कौन होता है, जिसकी खुद की कंपनी होती है उसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर, दोस दैट ओन द कंपनी, डायरेक्टर गार्जियन ऑफ द कंपनी एसेट फॉर द शेयर होल्डर, एंड मैनेजर जो यूज कर रहा है कंपनी की एसेट को उसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजर, ठीक है। एंड नेक्स्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इक्वल नहीं है, और ना ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या बिजनेस एथिक्स के इक्वल है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक अपना सिस्टम होता है, अपना रूल एंड रेगुलेशन होता है, उसी के थ्रू एक फर्म को कंट्रोल में किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जब भी नाम आए तो राजा है उसके अंदर प्रजा का कंट्रोल, वो अपने पूरी प्रजा को कंट्रोल में रखता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मीन्स ओवरऑल कंट्रोल होता है एक्टिविटीज के ऊपर एक कॉर्पोरेशन की। एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर हम बैलेंस करते हैं कंपनी के सभी स्टेक होल्डर को, जैसे शेयर होल्डर, मैनेजमेंट, कस्टमर, सप्लायर, फाइनेंशियल, गवर्नमेंट और कम्युनिटी को। एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मेन मोटो क्या होता है, मेन मोटिव है कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करवाना। एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर हमने फिर पार्टीज देखी कि कौन कौन से थे, शेयर होल्डर, डायरेक्टर और मैनेजर। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस जरूरी क्यों था, क्योंकि बेटर एक्सेस ले सके एक्सटर्नल फाइनेंस का, लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इम्प्रूव्ड कंपनी परफॉर्मेंस, और रिस्क है जो कॉर्पोरेट क्राइसिस का वो रिड्यूस हो। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इफ मैनेजमेंट इज अबाउट रनिंग द बिजनेस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अबाउट सीइंग इट रन प्रॉपरली। अगर मैनेजमेंट एक बिजनेस को रन कर रही है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखेगा कि क्या ये बिजनेस प्रॉपरली रन कर रहा है या नहीं। और हर एक कंपनी को मैनेजिंग और गवर्निंग की जरूरत पड़ती है। क्लियर हो गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हम चेक करते हैं कि जो कंपनी है वो वर्क प्रॉपर कर रही है या बिजनेस है वो प्रॉपर रन कर रहा है या नहीं। एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस तीन बेसिक इश्यूज पे डिस्कस करते हैं, फर्स्ट इज द एथिकल इशू, सेकेंड इज द एफिशिएंसी इशू, एंड थर्ड इज द अकाउंटेबिलिटी इशू। एथिकल इश्यूज में क्या होता है कि हम ये कंसर्न होते हैं कि जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ फ्रॉड एंड बिकमिंग द वाइड स्प्रेड इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक, ठीक है। जैसे कि फ्रॉड की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, को फैल जाता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, ही क्या हो गया, एथिकल इश्यूज हो गया। नेक्स्ट इज द एफिशिएंसी इशू,
एफिशिएंसी इशू में क्या होता है, ये कंसर्न होती है कि मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को देखते हैं हम। नेक्स्ट अकाउंटेबिलिटी इशू। अकाउंटेबिलिटी इशू के अंदर हम क्या करते हैं कि जो स्टेक होल्डर है उसको जरूरत पड़ती है ट्रांसपेरेंसी हो मैनेजमेंट की इन द कंडक्ट ऑफ ए बिजनेस। जो मैनेजमेंट है जिसने बिजनेस को कंडक्ट किया है उसके क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें स्टेक होल्डर नीड फॉर द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द मैनेजमेंट कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, उसको बोलते हैं हम अकाउंटेबिलिटी इशू। दिस इज ऑल अबाउट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस मीनिंग। नेक्स्ट लेसन में बाकी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस की टर्म्स को हम देखते हैं कि फैक्टर कौन कौन से होते हैं, पिलर्स कौन कौन से हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उनको सभी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।